माय गॉड निखिल, निखिल मैं तुम्हें बता नहीं सकती बाहर कितना मजा आ रहा था. यू नो चंपक के आते ही ना अभी को जैसे जेलसी फील हो रही थी, वो बहुत कंफ्यूज था, उसे समझ भी नहीं आ रहा था कि मैं करूं क्या. अभी ने प्रज्ञा से कुछ कहा? हाँ, अभी गुस्से में ना प्रज्ञा का हाथ पकड़ के उसे कोने में लेके गया. ऐसे मत देखो, तुमसे बात करने के चक्कर में मैं उनकी बातें सुनना भूल गई. पर आई एम श्योर अभी ने प्रज्ञा को बहुत डांटा होगा, और वो लोग जब वापस आए तो अभी ने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार दी. उसने सबके सामने ये अनाउंस कर दिया कि चंपक यहीं पर रहेगा. वो तो मैंने भी सुना, पर ऐसे किया क्यों उसने? ऑब्वियसली जेलसी में ना, वो उसे चंपक को इस घर में इसलिए रख रहा था कि प्रज्ञा को ये दिखा सके कि वो चंपक से ज्यादा बेटर है. हाँ आई एम श्योर उसने दादी को भी यही कहा. श्योर क्या, उसने दादी को यही कहा जो दादी चाहती है कि चंपक इस घर से चला जाए? वो तो यही चाहेंगी ना, अपनी प्यारी सी बहू को बचाएंगी उससे, और क्या. जो भी हो, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है. अभी ने चंपक को इस घर में रुका के प्रज्ञा के लिए मुसीबतें और बढ़ा दी. बेचारी प्रज्ञा. अभी तक तो मुझे सिर्फ शक था, और अब यकीन हो गया है कि उस चंपक को निखिल और तनु ने ही बुलाया. बस अब मुझे ये सुनना है कि ये दोनों उसे क्यों लेकर आए इस घर में. चलो मैं उस दिन का वेट कर रही हूँ जब चंपक इस घर में आएगा, और चंपक की वजह से प्रज्ञा और अभी का रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए टूट जाएगा. अब उसे पता चलेगा कि उन चार लोगों पे हम दो लोग कितने भारी हैं, और अभी जब प्रज्ञा और उस चंपक को साथ देखेगा ना, तब हमारी जलाई हुई आग में जल जाएगा. हाँ, पटेगा उन पर, लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ होगी प्रज्ञा को. मजा मुझे इसलिए आ रहा है क्योंकि प्लान तो हमने किया था, मगर ये डबल स्पीड में एग्जीक्यूट इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी और प्रज्ञा हेल्प कर रहे हैं हमको. ऐसे ही कहते हैं ना, जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है. हाँ, हमारे लिए छप्पर फाड़ के और प्रज्ञा के लिए आसमान फाड़ के. गिरने वाली है, तकलीफ है, हमें इस रात का सबसे ज्यादा फायदा उठाना पड़ेगा. यही एक रात है जो हमारे प्लान को आगे बढ़ाने में हमें हेल्प करेगी, और हो सकता है कि यही एक रात प्रज्ञा की आखिरी रात बन जाए. अब ये लोग क्या प्लान करने वाले? तुम क्या प्लान कर रहे हो? कहीं प्रज्ञा को परेशान करके उसे जगाने तो नहीं वाले? नहीं तनु, नहीं, जगाना नहीं है, सुलाना है. वो भी एक साथ कोसीली सुलाना है. और जब अभी सुबह को उठ के उन्हें देखेगा सोते हुए, तो उसके गुस्से का ज्वालामुखी फटेगा. क्योंकि एक आदमी एक दूसरे आदमी को उसकी प्रियतमा के साथ चलते हुए तो देख सकता है, लेकिन सोते हुए नहीं देख सकता. और जब वो उसे देखेगा तो तब उसका गुस्सा लावा बनकर निकलेगा, और इस लावे से प्रज्ञा बचकर नहीं निकल सकती. तो अब तुम समझी स्वीटहर्ट कि आज की रात जब चंपक इस घर में है, हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है. आज की रात हम प्रज्ञा को इस घर से निकलवा सकते हैं, और कल की सुबह हमारे लिए एक नई शुरुआत हो सकती है. तुम रुको, मैं देखती हूँ. कौन है यहाँ पर? रॉबिन, रॉबिन. यस सर. कोई आया था क्या यहाँ पे? नो, यहाँ तो कोई नहीं आया. ठीक है. अब मैं क्या करूं? दादी को जाके बताती हूं. कोई नहीं है, मुझे तुम्हारी बातें सुन के इतना मजा आ रहा है, तो जब तुम प्लान बनाओगे तो मुझे कितना मजा आएगा. ओ माय गॉड, फिर से बच्चों जैसी बातें.
तुम हमेशा बच्चों से बातें क्यों करती हो यार? पेट में बच्चा तो बच्चों जैसे बिहेव करूंगी ना, तुम प्लान बताओ। दादी मैं एक दिन के लिए दिल्ली क्या गया, आपने मुझे कुछ बताना जरूरी नहीं समझा। आखिर हो क्या रहा है इस घर में, मुझे प्लीज कोई बताएगा। अच्छा हो पूरब की तू आ गया है, क्या बताऊं कि तेरे पीछे क्या क्या नहीं हुआ है। हम सबने प्लान किया था कि भाभी का बर्थडे उनकी लाइफ का सबसे स्पेशल दिन बनाए, पर वो चंपकलाल ने तो कुछ और ही सोच रखा था। आकाश प्लीज मुझे बता कि बर्थडे वाले दिन एग्जैक्टली क्या हुआ था, स्टार्ट टू एंड मुझे सब बता। धोखा दिया है तुमने अभी को, अभी की बीवी होके तुम किसी और आदमी से रिश्ता कैसे रख सकती हो? कल तक तो आप मुझे बोल रही थी कि चंपक जब भी मैं तुमसे मिलती हूँ मुझे ऐसा प्रतीत होता है जैसे हम जन्म जन्म के साथी हैं। आज आप कह रहे हैं कि हम कभी मिले ही नहीं। आज तुम्हारा अफेयर है, दूसरों की बातों में आकर मुझसे सवाल नहीं कर सकते। श्योर ये सब कुछ किया गया ये तनु और निखिल का ही। यू आर राइट पूरब। आकाश ये सब उन लोगों ने इसलिए किया है ताकि वो दी को अभी की नजरों में गिरा सके। दी कहाँ है? वो ठीक तो है ना? तुम लोगों ने कोई प्लान बनाया कि दी को इसे प्लान करने की जरूरत नहीं, वैसे भी कुछ भी प्लान करके क्या फायदा होता, हमेशा तो हम हार जाते। तनु और निखिल जो भी प्लान करते हैं हमेशा कामयाब होता, और इस बार भी इस चंपक को मेरा बॉयफ्रेंड साबित करके आधी लड़ाई तो वैसे ही जीत चुके, बाकी भी जीत जाएंगे, फिर सब खत्म हो जाए। दिया प्लीज शांत हो जाए, कुछ नहीं होगा, हम ऐसा कुछ नहीं होने दे। नहीं पूरा प्लीज मुझे झूठी तसल्ली मत दो, अब कुछ ठीक नहीं होगा। ऐसा क्या हुआ पता? तनु ने कुछ कहा? तनु के भड़काने से अभी ने कुछ कहा? नहीं दादी, न तनु ने कुछ कहा ना इन्होंने, मैंने तनु और निखिल की बातें सुनी, और वो लोग जो प्लान कर रहे हैं उसके बाद वो आपकी भी नहीं सुनेंगे, तुरंत मुझे इस घर से बाहर निकाल देंगे। ऐसा क्या प्लान किया उन्होंने? जब इन्होंने निखिल को गेस्ट रूम में जाने के लिए कहा तो मैंने तनु और निखिल का पीछा किया और फिर मैंने उनकी बातें सुनी। ये तो हद हो गई, मतलब कोई जीतने के लिए इतना नीचे तक कैसे गिर सकता है? सही कह रही हो रचना, ये लोग किसी भी तरह चाहते हैं कि अभी की नजरों में दी को गिरा दे, और जब बात दी के अस्तित्व पे आ जाएगी तो दादी ऐसे में दी का डरना तो जायज है। वो लोग कोई इतना बड़ा प्लान बना रहे हैं और पहली बार शायद उस प्लान में कामयाब भी हो जाएंगे, और अगर ऐसा हो गया ना दादी तो मुझे भी डर लग रहा है, मतलब कि क्या आज की रात जीजू और दी के रिश्ते की आखिरी रात होगी? चुप करो सब, ऐसा कुछ नहीं होगा। दादी कैसे नहीं होगा, आपने सुना नहीं अभी क्या कहा दी ने? सुना है, अच्छी तरह सुना मैंने। वो जो प्लान करते हैं उनको करने दो, तुम सब लोग भूल गए कि हमारे और उनके बीच में कोई है, और वो है प्रज्ञा का पति, मेरा पोता। यानी अभी जब तक वो है तब तक वो जीतने के लिए सोच भी नहीं सकते। यार मैंने इसे रुकने के लिए तो बोल दिया, पर अब ऐसा क्या करूं जिसे इस चंपक की बैंड बजाए और मैं नाचूं? हाँ, इसे किसी तरह नीचे गिरा देता हूं। नीचे गिरेगा तो इसकी मूंछ टूट जाएगी जो शायद प्रज्ञा को बहुत पसंद है। मेरी मूंछ टूट गई। नहीं यार, नीचे गिरने से तो चश्मा भी टूट सकता है, क्या पता प्रज्ञा को इसका चश्मा पसंद हो, तो ना रहेगा ग्लासेस, ना रहेंगे चांसेस इनके अफेयर के। क्या हुआ? मेरा चश्मा। इसे इधर आने देता हूं, ऐसी क्रॉस लेग अड़ंगी दूंगा ना कि मुंह के बल गिरेगा। उधर क्या कर रहे हो? इधर भी देखो। आपका घर अति सुंदर है, किसी राजा के राजमहल जैसा प्रतीत होता है,
प्रतीक नहीं, मेरा घर है। प्रतीक कौन है? प्रतीक नहीं, प्रतीत, अर्थात राजा के राजमहल जैसा लगता है। अति प्रतीत अर्थात, ये किस प्लैनेट की भाषा बोल रहा है? खैर, मुझे इसे गिराने पे ध्यान देना होगा। अरे वहां के प्रतीत को छोड़ो, वो क्या प्रतीत है, प्रतीत तो ये है। यहाँ के प्रतीत को देखो, कम कम एंजॉय प्रतीत जी। कसरत, क्या बात है। ये तो गिरा ही नहीं, मतलब इसकी भी प्रज्ञा के जैसे चार चार आंखें। ये सारे टीचर एक जैसे क्यों होते हैं? दो आंखें ऊपर, दो नीचे या पीछे? तभी तो ये स्टूडेंट्स को एग्जाम में चीटिंग करते पकड़ भी लेते। इन्हीं लोगों की वजह से मेरे कम मार्क्स आए, पर आज एक एक मार्क का हिसाब लूंगा। बचपन में तो मुझे फेल कर दिया था, पर आज यह अध्यापक मुझे रियल लाइफ में फेल नहीं कर सकता। नाउ आई विल टीच हिम अ गुड लेसन। ये तनु और निखिल कहाँ चले गए? उनसे ये तो पूछूं आगे का प्लान क्या है। अरे घर दिखते दिखते ये कहाँ निकल गया? भाती अभी इस सब में क्या करेगा? क्या करेगा? वो ही करेगा जो अब तक करता आया है। वो एक आम इंसान नहीं है, वो लाखों में एक है, सबसे अलग है वो। उसकी जगह कोई और होता ना, अपनी बीवी पे लगे इल्जामों के बाद उससे रिश्ता तोड़ के उसको घर से बाहर निकाल देता। बेशक अभी के दिमाग में भी ये ख्याल आया ही होगा, पर उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उसको ख्याल आया अपनी फैमिली का। वो रिश्तों की अहमियत को समझता है और प्रज्ञा से प्यार भी करता है। वो जानता है कि प्रज्ञा गलत कभी नहीं हो सकती। ये निखिल और तनु कितनी कोशिशें की हैं इन दोनों को अलग करने के लिए, कर पाए क्या? नहीं ना। अरे जहाँ विश्वास है, प्यार है, भरोसा है, वहाँ वो दोनों कैसे जीत सकते हैं? तुम लोगों को जहाँ उनकी जीत नजर आ रही है ना, वहाँ मुझे उनकी सबसे बड़ी हार नजर आ रही। दादी, मतलब? मतलब ये कि मैंने अभी को समझाया, वो मेरा कहना मानता है भाई। मेरे समझाने से उसको दोबारा अपना प्यार याद आ गया, यही प्यार तनु और निखिल को जीतने नहीं देखा। उन्हें लगता है ना, ये चंपक का भोलापन और उसकी सादगी जो है वो उनकी ताकत है। यही पर गलती कर गए ना वो, क्योंकि चंपू जैसे इंसान को काबू में करना सबसे आसान होता है। वो कैसे? भावनाओं को समझो ना। तनु और निखिल जो भी प्लान कर रहे हैं, हम उन्हीं का प्लान उन्हीं पे इस्तेमाल करेंगे। ये दोनों, तुम दोनों को अलग करना चाहते हैं ना, हम आज रात उन दोनों को पकड़वा देंगे। हम चंपू को इतना परेशान कर देंगे कि वो रोता हुआ ना निखिल और तनु के पास जाएगा और घुटने टेक के कहेगा कि मैं हार गया, मुझसे ये काम नहीं हो सकता। तो हम उन तीनों की जो बातचीत होगी हम रिकॉर्ड कर लेंगे और वही रिकॉर्ड हम अभी को दिखाएंगे और उसके बाद सारा खेल खत्म। थैंक यू दादी, थैंक यू सो मच। आपके पास तो हमेशा हर प्रॉब्लम का सलूशन होता है। पर तुझे तो मुझ पर भरोसा ही नहीं है ना, हर बार रोती हुई मेरे पास आ जाती है। इस बार नहीं रोऊंगी, इस बार उस तनु को रुलाऊंगी। सॉरी और थैंक यू, आप लोग सब हमेशा मेरा साथ देते हैं, फिर भी मैं हिम्मत हार जाती हूँ। पर प्लीज, मैं हार भी जाऊँ तो कभी मेरा साथ मत छोड़ना, हमेशा मेरे साथ रहना। तू ना हमारी छोड़, अपने बारे में सोच सोच के जब तक अभी तेरे साथ है, तेरा प्यार तेरे साथ है, निखिल और तनु कुछ नहीं बिगाड़ सकते तेरा। और भगवान करे तुम दोनों की जोड़ी सलामत रहे, ऐसे ही बनी रहे, और भगवान तुम दोनों को हर मुसीबत से बचाए।
ये मिताली कहाँ रह गई? अभी तक कोई खबर नहीं लाई उसने। ये यहाँ खड़ी है और मैं सोच रही हूँ कि ये कोई खबर लेके आएगी। कुछ खबर मिली? मैं इंतजार कर रही हूँ मम्मी जी। इंतजार? मम्मी! बंटी मम्मी! मेरे बच्चों, कैसे हो तुम दोनों? मैं अच्छा। बहुत अच्छे। और एग्जाम्स कैसे हुए बेटा? मम्मी, इसका तो पता नहीं, पर मेरे बहुत अच्छे गए। मेरे भी अच्छे थे। हाँ, नकल की होगी तो अच्छे गए हो। मम्मी देखो ना, ये मुझे चीटर बुला रही है। मैंने कुछ नहीं कहा, तू चुप बैठ। मम्मी हा? ये ना हॉस्टल में मुझे बहुत परेशान करती थी और मुझे आपकी बहुत याद आती थी। मुझे नहीं जाना वापस, मुझे यही घर में रहना है। और मम्मी, मुझे भी आपकी बहुत याद आती थी और वहाँ पे तो आपके हाथ का बना टेस्टी खाना भी नहीं मिलता था। कोई बात नहीं मेरे बच्चों, तुम दोनों जब तक यहाँ पर हो ना, मैं तुम्हें रोज अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाऊंगी, वो भी तुम्हारा फेवरेट फूड। बंटी, बबली, दादू से नहीं मिलोगे? दादी, दादी, अरे दादी, बच्चे। दादी, हाँ, मैं आपको कुछ दिखाने चलो ना। हाँ, बिल्कुल। दादू, आप भी आओ ना। और ना, हम अच्छी अच्छी चीजें बना के खाएंगे। पिज्जा खाऊंगा। बिल्कुल बनाएंगे पिज्जा, चलो। राज, मेरा कोई हक तो नहीं बनता है तुम दोनों से कुछ कहने का, लेकिन फिर भी मैं कुछ कहना चाहती हूँ। दासी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? आप बोलिए ना, आप क्या बोलना चाहती हैं? मिताली, देखो बेटा, आपसी मन मुटाव में ना बच्चों को बचपन मत खो देना, क्योंकि ये बचपन दोबारा लौट के नहीं आता है। तुम खुद समझदार हो। राज, ये तनु कहीं मिले ना मिले, अपने रूम में तो मिल ही जाएगी, जहाँ मुझे अपनी पेमेंट मिली थी। प्रज्ञा जी, आप? हाँ, मैं, मेरा ही घर है ना, आप किसी और को तो नहीं ढूंढ रहे थे? नहीं नहीं, मैं तो आप ही को ढूंढ रहा था। बहुत देर होगी आपके दर्शन नहीं हुए, तो मैं अधीर होने लगा और व्याकुल होकर आप ही को ढूंढ रहा था मैं। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं भी आप ही को ढूंढ रही थी। परंतु आप मुझे क्यों ढूंढ रही थी? अरे क्या है ना, मैं आपको ये बताने के लिए ढूंढ रही थी कि मैं बहुत खुश हूँ कि आप कुछ दिनों के लिए यहाँ रहने वाले, तो मैं जब चाहे आके आपको मिल सकती हूँ। ये कल तक तो कुछ और बोल रही थी और आज ऐसी बातें कर रही है। मेरे जन्मदिन समारोह में आपने कुछ खाया नहीं ना, तो मैं चाह रही थी कि अब आप यहीं रहेंगे तो मैं आपके लिए खाना बना देती हूँ। आपको खाने में क्या पसंद है? आप सच में मेरे लिए भोजन बनाएंगी? खुशी से। मुझे तो खाने में मीठा बहुत प्रिय है। मैं खाने में मीठा, खाने से पहले मीठा, खाने के बाद मीठा ही लेता हूँ। जलेबी, खीर, हलवा। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। सिर्फ मीठा या दाल सब्जी वगैरह कुछ? अगर दाल है तो वो भी मैं मीठी ही खाता हूँ। हरी सब्जियाँ मुझे बेस्वाद और कड़वी लगती हैं, जैसे मेथी, लौकी, करेला, इसलिए मैं सिर्फ मीठा ही खाता हूँ। और कुछ? जी नहीं, इतना ही। इतना ही, अच्छी बात है। एक्चुअली ना, जितना आपको मीठा खाना पसंद है ना, उतना ही मुझे मीठा बनाना पसंद है, और आपके लिए बनाऊंगी तो और भी अच्छा लगेगा। मैं अभी जाके बनाती हूँ, ओके? क्या बात है, एक तरफ निखिल और तनु और दूसरी तरफ वो अभी, माय फेवरेट रॉक स्टार, और इस घर की सुंदर मालकिन प्रज्ञा अरोड़ा, तब तेरे दीवाने हो रहे चंपक। तेरा नाम चंपक नहीं, चुंबक होना चाहिए था। जरा जाके देखूं तो अभी क्या हाल कर रहा है चंपक और प्रज्ञा का। सॉरी सॉरी सॉरी। क्या बात है, बड़े खुश नजर आ रहे हो। कुछ नहीं, ऐसी। ओके, जो भी, 8 बजे कमरे में आ जाना, निखिल भी वहीं पे होगा, आगे का प्लान डिस्कस करना। ओके हाँ, ठीक है, मैं आ जाऊंगा। कुछ तो बात है, अभी ने तुम्हारे साथ सेल्फी क्लिक की। नहीं, एक्चुअली क्या है ना कि मुझे ये घर बहुत पसंद आ रहा है और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। सब मुझसे कितना प्यार करते हैं, पहले अभी, फिर प्रज्ञा, और अब वो बड़ी भाभी मिताली जी। घर बसाना है यहाँ पे, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई तुमसे प्यार करे ना करे, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करती। वो तो मैं जानता हूँ, आप कोई इतने चलाक कि अपने अलावा किसी और से प्यार कर ही नहीं सकते। अच्छा, तुम्हें कैसे पता?
आपके चेहरे पे लिखा है। ओ हेलो, कहाँ लिखा हुआ है? घर में आए हुए एक दिन नहीं हुआ और घर वालों की भाषा बोलने लगा। अरे निखिल, आई एम सॉरी यार, मैं भूल ही गया तू मेरा इंतजार कर रहा है। चल चल के कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस करते। अरे नहीं यार, मुझे लगा ही तू बिजी हो गया रहेगा, लेकिन आई वाज वेटिंग फॉर क्वाइट सम टाइम और मुझे अभी रियलाइज हुआ कि एक डॉक्यूमेंट जो कि बहुत जरूरी है तुझे एक्सप्लेन करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट, वो मैं भूल गया यार। और यार 2 बज गए हैं, आई हैव गॉट 2 बैक-टू-बैक मीटिंग्स और जब तक मैं वो डॉक्यूमेंट लेकर आऊंगा बहुत लेट हो जाएगा। आई वोंट बी एबल टू मीट यू यार। शाम को तू फ्री है क्या, मतलब अराउंड 8 o'clock? कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आज मैं सारा दिन घर पर ही हूँ। वैसे भी एक मेहमान की खातिरदारी भी तो करनी है। अरे बच्चे कहाँ? अरे मेरे चश्मा तो बच्चे मुझे दिखाई नहीं दे रहा। ले ले ले, नो नो नो, अरे अरे अंकल, उठो उठो उठो। यस यस। अरे निखिल एक बात बता, तू तो इस चंपा को पहले से जानता है, ये आदमी कैसा है? मतलब इसमें लड़कियों को क्या पसंद आता है, क्या अच्छा लगता है इसके बारे में? यार अभी अगर तू मुझे पूछे तो मुझे ये थोड़ा इंटेलेक्चुअल टाइप लड़का लगता है यार, पर आजकल की लड़कियां ऐसे लड़के पसंद करते हैं। आई मीन इसलिए प्रज्ञा ने इसे चूज किया होगा।